पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। बता दें, कांकेर मेडिकल कॉलेज कोमल देव अस्पताल में भी जूनियर डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों में आक्रोश देखा जा रहा है। बता दें, महिला सुरक्षा और मेडिकल सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के साथ ही जिला अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा, पुलिस चौकी, सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती जैसे 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। हमेशा से कई वर्षों से डॉक्टर और नर्सों के साथ हिंसा होते आ रही है। हम कई बार विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन हम सेवा भावना से कई बार चुप हो जाते हैं, ओपीडी बंद करते हैं, इमरजेंसी चालू रहती है, आज भी वैसा ही है। लेकिन अभी की जो घटना है वो सभी को स्तब्ध कर देता है। इससे बुरा क्या हो सकता है, एक महिला डॉक्टर जो 36 घंटे से ड्यूटी कर रही है उसके साथ उसी अस्पताल में रेप हो जाता है, फिर मर्डर हो जाता है। तो सबसे पहला हमारा ये मुद्दा है कि इंसाफ चाहिए, कड़ी से कड़ी जाँच हो और दोषियों की पहचान हो, एक नहीं कई दोषी भी हो सकते हैं, और सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दूसरा चीज है कि हमको मेडिकल एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, रूल चाहिए जिसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और नॉन अवेलेबल हो। तीसरी चीज है कि हर अस्पताल में सुरक्षा कर्मी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, पुलिस चौकी हो, प्रशिक्षित गार्ड हो और सीसीटीवी फुटेज हो। और इसके अलावा ही हमारे कांकेर की मांग है कि इससे पहले हमारे कांकेर में भी एक मेरे साथ भी अलबेला पारा में घटना हो चुकी है, पहले भी हम एसपी को दे चुके थे, उस टाइम भी हमें आश्वासन दिया गया था कि हमको पुलिस चौकी मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है हमको। तो हमारे यहाँ व्यवस्थित अस्पताल भी नहीं है। महिलाएं असुरक्षित इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही हम लोगों को। अस्पताल में भी कोई मतलब ऐसे कोई कर्मचारी नहीं है या पुलिस प्रोटेक्शन हम लोगों को प्रोवाइड नहीं की जा रही है यहाँ पे। तो एक तो जो वहाँ पे कोलकाता में हुआ आरजेकर मेडिकल कॉलेज में, तो हम उससे काफी डर गए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डर गए हैं कि मतलब आगे जाके वो डॉक्टर बनने से भी डरेंगे कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं सब कि कैसे होगा आगे जाके अगर यही हाल रहा। तो हम चाहते हैं कि हम सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो, और मैं सिर्फ उस लड़की के लिए नहीं बोल रही, मैं चाह रही हूँ हर लड़की सुरक्षित महसूस करे अपने देश में। अगर हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे हम लोग।